एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस व्यक्ति को कहा कि वह कल सवेरे नदी के पास मिले। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उस व्यक्ति को नदी में उतरकर नदी की गहराई नापने को कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े शक्तिशाली थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ ही समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया। वो व्यक्ति जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकाल कर जोर जोर से हांफने लगा। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकल कर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। याद रहे, मनुष्य के विचारों में चुंबकीय शक्ति है। अगर किसी के जीवन में कोई कमी है तो इसका मतलब उसके विचारों में कमी है।